देखिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी है हमारी बहुत ही चटपटी और टेस्टी सब्जी। ये सब्जी हमने किस चीज़ से बनाई है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं सब्जी को। ये सब्जी हमने अरवी के पत्तों से बनाई है। अरवी के पत्ते की सब्जी तो आपने बहुत तरीके से खाई होगी, एक बार मेरे तरीके से भी बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। तो लग रही है ना बहुत ही लाजवाब, बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाती है फ्रेंड्स। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अरवी के पत्ते की सब्जी को बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अरवी के पत्ते को ले लिया है और इनको हमने धुल के फ्रेश कर लिया है, और इनके जो पीछे का ये मोटा वाला पार्ट होता है उसको भी हमने निकाल दिया है। और इसको हमने निकाल के सारे पत्तों का हमने निकाल लिया है, इनको हम निकाल के रेडी कर लिए हैं। अब चलिए हम बेसन का घोल बनाते हैं, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए बेसन का घोल बनाने के लिए हमने बाउल ले लिया है, और ये बेसन ले लिया हमने, और दो चम्मच मतलब कि 2-3 चम्मच जितना बेसन ऐड करना है। आपको कितना ज़्यादा कम जैसा बना रहे हैं उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी रखिएगा। हमने बेसन ले लिया है। अब इस बेसन में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हमें क्या क्या मसाले ऐड करने हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा अगर आपका मन करे तो सब्जी मसाला ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने सब्जी मसाला ऐड कर दिया है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड कर देंगे, और अब इसका गाढ़ा सा घोल बना लेंगे हम। तो देखिए इस तरीके से इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा सा इसका घोल बेटर बना करके इसका रेडी कर लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी ही हमें इसमें ऐड करना है, इकट्ठे पानी ऐड करेंगे तो इसका बेटर ज़्यादा गीला हो सकता है, तो इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा। और इसी तरीके से अच्छा सा इसका घोल बना लेंगे हम। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है घोल को, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, आप उस हिसाब से रखिएगा। और अब इसके बाद देखिए अच्छे से हम यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से। तो देखिए हमने इसका घोल बना लिया है, और अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक अभी हमने नहीं ऐड किया था इसमें, तो नमक बहुत ज़्यादा मत ऐड करिएगा, जितनी आपकी बेसन की क्वांटिटी हो उसके हिसाब से टेस्ट, नमक जिससे कि ज़्यादा ना हो और टेस्ट अच्छा रहे इसका, इसलिए नमक इसमें बहुत ज़्यादा मत ऐड करिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से देखिए। तो देखिए हमने घोल बना लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए इसको इतना ही गाढ़ा रखना है। तो अब इसको हम साइड में रख लेते हैं और पत्तों को ले लेते हैं। तो देखिए पत्तों को हमने ले लिया है, और पत्तों के इस तरीके से इसको हम ऐड कर देंगे। आप इस तरीके से डाल करके अच्छे से हाथ से लगाइए ना, तो ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। देखिए इसी तरीके से हम पहले इसके ऊपर बेसन ऐड कर देंगे, फिर इसको अच्छे से हाथ से हम पूरे पत्ते पे लगाएंगे बेसन को। देखिए इसी तरीके से एकदम हाथ से अच्छे से लगाना है इसको, इससे खूब अच्छा सा इसका डो मिल जाए। और देखिए इसी तरीके से फिर इसके ऊपर हम दूसरा पत्ता ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम छोटा पत्ता ऐड कर रहे हैं इस पर, और इस पर भी बेसन लगा देंगे अच्छे से। इसको भी लगाने के बाद मिक्स कर देंगे बेसन, इस पर भी लगा देंगे हम देखिए अच्छे से। और इसको भी इसी तरीके से अच्छे से लगा के मिला देंगे, और अब इसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से इसको हमें फोल्ड करना है दोनों साइड से। पहले हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको, और फिर इधर से इसके पत्तों को ऊपर से भी हम ऐसे फोल्ड कर देंगे देखिए, और इस साइड से भी हम इसको फोल्ड कर देंगे। और अब इसके बाद इसको हम इसी तरीके से रोल जैसा शेप दे देंगे। तो देखिए हमारा ये रोल अच्छे से बनकर रेडी हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको बना करके रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं, मगर हम स्टीम नहीं करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको स्टीम करने के लिए हमने इधर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने ऑयल भी ऐड कर दिया है, रिफाइंड ऑयल हमने ऐड किया है। और अब इसमें एक एक करके इन पत्तों को ऐड करेंगे जो हमने बना करके रखे हैं। तो देखिए इसी तरीके से ऐड कर देंगे इसको, और अलट पलट कर इसको हम पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से इनको हम अलट पलट के पकाना है गोल्डन ब्राउन होने तक, जिससे कि अच्छे से पक जाएं अंदर तक, पका लेना है हमें इनको। देखिए फ्रेंड्स, ये खूब अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब इनको हम छान लेंगे, तेल से निकाल करके बाहर रख लेंगे। तो चलिए अब इसकी हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो इधर कढ़ाई से तेल हमने कम कर दिया, उसी से हम कढ़ाई में हम सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीरा ऐड कर देंगे। जीरा हमारा चटकने लगा है,
और अब यहाँ पे एक तेज पत्ता हम ऐड कर देंगे। तेज पत्ता ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा है इसको ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से चला करके मिक्स कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाए इतना, मतलब लहसुन जिससे अच्छे से हमारी पक जाए, कच्चा पन्ना रहे लहसुन में, इसको अच्छे से हम पका लेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने दो प्याज बारीक टुकड़ों में काट के रख ली है, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको भी, प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होने जाए उतनी देर तक हमें इसको भूनना है। और इधर जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे तब तक देखिए हमने ये टमाटर काट लिया है, इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। और देखिए हमारी टमाटर प्याज पक गई है खूब अच्छे से, इसमें हम टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे यहाँ पे और अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर इसको भी भून लेंगे इसी तरीके से मिक्स करते हुए। और अब देखिए हमारी मतलब कि अच्छे से प्यूरी बन गई है, ये तड़का हमारा अच्छे से रेडी हो गया है ग्रेवी। और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो मसालों में सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। देखिए हल्दी पाउडर हम ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सब्जी मसाला ऐड कर देंगे और हींग थोड़ी सी ऐड कर दीजिएगा, हींग हम तड़के में भूल गए थे इसलिए हम यहाँ पे हींग ऐड कर दिए हैं। और अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो एक कप हमने पानी ऐड कर दिया है। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करिएगा, आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा ग्रेवी रखनी होगी तो ज़्यादा पानी ऐड करिए, कम है तो कम ही पानी ऐड करिए, अपने हिसाब से ग्रेवी का पानी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक हमने अरबी के पत्तों में भी ऐड किया है तो नमक हिसाब से ही ऐड करिएगा जिससे कि नमक ज़्यादा ना हो। तो नमक हमने देखिए ग्रेवी में ऐड कर दिया है और अब इस पर हम ढक्कन लगाकर एक उबाल आने तक इसको पकने देंगे। तो फ्रेंड्स जब तक हमारी ग्रेवी उबल रही तब तक इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, कितनी अच्छे से चारों तरफ से सब्जी ने तेल छोड़ दिया, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। और अब इसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से काट लिया है इन पत्तों को, अरवी के पत्तों का जो हमने ये रोल बना करके रखा था उसको हमने अच्छे से काट लिया है। अब एक एक करके हम इसमें ऐड कर देंगे इसको सब्जी में, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स ये सब्जी इस तरीके से बनाइए तो। आप भी सब्जी को बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन तो ज़रूर ही दबा लीजिएगा जिससे कि हम जो भी नया वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो देखिए अब इसमें हम सारे पत्तों को इसी तरीके से ऐड कर दिए हैं और अब इसको बस थोड़ा सा एक बार उबाल, ये तो पत्ते पक ही गए हैं अच्छे से अरवी के हमारे, तो इनको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक उबाल आए उतनी देर तक ही इसको अच्छे से पका देना है थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स खूब अच्छे से पक गई है हमारी अरवी के पत्ते की सब्ज़ी, पत्तों को डालने के बाद हमने एक मिनट इनको और उबाल दिया और ये खूब अच्छे से पक कर रेडी हो गई हैं। और अब इनको इसके ऊपर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती हैं फ्रेंड्स और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी अरवी के पत्तों की, तो आप भी इस तरीके से बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। आपने अरवी के पत्तों की सब्ज़ी कई बार कई तरीके से बना करके खाई होगी, एक बार मेरे तरीके से भी बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे एक और नए वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।